सुप्रभात, नमस्कार साथियों। हमारे साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रदीप गुप्ता सर मुंबई से जुड़ चुके हैं और 11 भी बज गए हैं। हम अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। यह बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमें सानिध्य दे रहे हैं हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर श्री अमित गोयल सर। आपका भी सर विशेष रूप से स्वागत है सर इस सत्र में। हमारी कॉलेज की प्राचार्य मैडम है डॉक्टर दीप्ति ढिमरी मैडम, मैम आपका भी स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है सर। आपका विशेष रूप से विवेक परिवार की तरफ से स्वागत है। बिना किसी देरी के मैं निवेदन करूंगा हमारी कॉलेज की प्राचार्य मैडम से कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें, वीडियो ऑन कर लें और आज के स्वागत वक्तव्य के लिए। थैंक यू डॉक्टर जितेन जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज वी हैव आवर स्पीकर मिस्टर प्रदीप गुप्ता जी फ्रॉम मुंबई इज विद अस एंड आई वेलकम मिस्टर गुप्ता on the behalf of whole Vivek family. जैसा हम सब जानते हैं साथियों, हम सब जानते हैं कि आज का विषय power of positivity एक ऐसा विषय है जो सिर्फ ये pandemic के लिए ही महत्वपूर्ण important नहीं है। ये बहुत पुराने समय से ही, जब से इंसान ने, मनुष्य ने जन्म लिया है, positivity की बात तब से ही होती है। जैसे हम सब जानते हैं हमारी माइथोलॉजिकल बुक महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो पास्ट की चिंता करते हैं, जो पास्ट की बात करते हैं वो मूर्ख होते हैं और जो भविष्य की चिंता करते हैं वो महामूर्ख होते हैं और जो वर्तमान की बात करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। जी हाँ, ये चिंता, स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और आज के इस समय में जबकि हर व्यक्ति स्ट्रेस, टेंशन, किसी चिंता में है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एक अच्छा तरीका, अ पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर हमें ध्यान देना ही चाहिए। और हम सब जानते हैं 1952 में नॉर्मन विंसेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो एक गाइड बुक मानी जाती है टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, हाउ टू सॉल्व योर डे टू डे प्रॉब्लम्स बाय योर पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये बातें 1952 में और आज भी ये बहुत ही रेलेवेंट दिखाई देती हैं, जो कि सेल्फ मोटिवेशन को हमेशा ही बढ़ाती है। एज अ लेमैन हर कोई पॉजिटिविटी के बारे में जानता है, लेकिन एक्चुअल पावर पॉजिटिविटी की क्या है, कैसे इसको गेन किया जाए, किस तरह से इसको अपने जीवन में ला के अपने लाइफ को हम हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सेल्फ मोटिवेशन से ऑप्टिमिज्म में ला सकते हैं। एज वी ऑल नो, मोटिवेशन ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म एंड नेगेटिविटी ब्रिंग्स पेसिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म जब हमारी लाइफ में तभी आ सकता है जब हमारे पास पावर होगी पॉजिटिविटी की। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट विषय आज हमारे चर्चा के लिए है और जिसे हमारे बहुत ही दूर मुंबई से आज हमारे स्पीकर हमारे साथ हैं। और जैसा कि ये कहा गया है, हम सब जानते हैं बेनेट की एक बहुत ही अच्छी कोट है, इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि एटीट्यूड इज अ चॉइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, गिविंग इज अ चॉइस, काइंडनेस इज अ चॉइस, रिस्पेक्ट इज अ चॉइस, ऑप्टिमिज्म इज अ चॉइस, चॉइस whatever choice you make makes you, so choose wisely. By these beautiful lines, I would like to welcome once again Mr. Pradeep Gupta ji. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम आज के स्वागत वक्तव्य के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे साथ बड़ी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि हमने पूर्व में जो बात की और मुझे पता चला। तो मुझे हमारे एक जो हाई स्कूल में नाइन्थ में हम एक कवि के बारे में पढ़ते थे, लेखक के बारे में पढ़ते थे, राहुल संस्कृत्यायन जी के बारे में पढ़ते थे, जो मतलब
टहलते भी थे, घूमते भी थे और उनको शब्दों में भी पिरोते थे। आज कुछ ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो वर्तमान में मिस्टर प्रदीप गुप्ता सर वाइस चेयर हैं रूरल डेवलपमेंट ग्रुप इंटरनेट सोसाइटी देश कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में। सर आप लेखक भी हैं, आप यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं, आप वंदना सरस्वती वंदना जैसा कि कल हमने आपकी सरस्वती वंदना को भी सुना। तो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आपने अपने पैशन को ना उतारा हो या पैशन आपने ना दिखाया हो। ऐसी शख्सियत को पाके सच में हम के साथ में हर्षित हैं। और आप बाई पैशन बैंकर हैं लेकिन बाई पैशन आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफर के साथ साथ में चित्र को शब्दों में भी पिरोते हैं। और आपने 3 किताबें भी इस पे लिखी हैं सर। और अभी मुझे पता चला कि आपने एकांतवास की डायरी एक लिखी जो कविताओं के बारे में है जो अमेजन ऑन पे। सर हम सच में आज बहुत प्रफुल्लित हैं आपके फैन के लिए। आपसे निवेदन है आज के उद्बोधन के लिए। दोस्तों सुप्रभात। ये पूरी बातचीत हम लोग हिंदी में करेंगे तो मैडम ने बहुत कुछ बताया है लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ तकलीफ से जिससे आज पूरी दुनिया दो चार है। आप जानते हैं कि इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण है। पिछले 100 वर्ष के मानव इतिहास में इतनी उथल पुथल किसी भी घटना से नहीं हुई। जो काम दो दो विश्व युद्ध नहीं कर सके वो कोरोना ने कर दिखाया। मैक्रो स्तर पर आइए देखते हैं। सारे देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर है। जो देश जो शहर अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में दुनिया के सामने कभी रोल मॉडल हुआ करते थे आज वे कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं कोरोना बीमारी संपर्क से फैलती है। अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास इसे ठीक करने का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। इसलिए व्यापक स्तर पर यह सोचा गया कि लोग घरों से ना निकलें, संपर्क में ना आए तो इसका फैलाव रोका जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था। इसी के साथ जैसे दुनिया थम सी गई, रफ्तार पे ब्रेक लग गया, हवाई जहाज ट्रेन बसें कारें सब ठहर गए, ज्यादातर उद्योग धंधे बंद हो गए। कोरोना की बीमारी ने माइक्रो स्तर पर भी कम तोड़फोड़ नहीं मचाई है। आर्थिक मंदी के कारण नौकरी पर संकट है। ज्यादातर लोगों के व्यवसाय दुकानें फैक्ट्रियां बंद होने के कारण इस समय अस्तित्व के संकट में है। यही नहीं, कोरोना ने हमारी दिनचर्या काम करने के तरीके पारिवारिक संबंधों दोस्ती खान पान गरज की पूरी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। आप टीवी का बटन दबाओ, समाचार पत्रों के पन्ने पलटो, जिस किस्म की न्यूज मिलती है दिल खराब हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे कौन से उपाय हम अपनाएं जिससे कि हम अपने नकारात्मक उद्वेगों को इस दौरान काबू में रख सकें और अपने इम्यून लेवल को भी बढ़ा सकें, क्योंकि फिलहाल इस बात के कोई आसार नहीं कि जल्दी ही इस बीमारी की दवा या वैक्सीन मिल जाएगी जो इस बीमारी को व्यापक स्तर पर खत्म कर सके। तो दोस्तों हमें इसके साथ रहना है और अपने सकारात्मक सोच से इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सकारात्मक सोच की शक्ति की बात आपने कई बार पहले भी सुनी होगी। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के बीच का जो अंतर है वो चीजों को देखने का अंतर है। अब मान लीजिए आपका गिलास आधा भरा है, उसे देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इस बात से संतुष्ट है लेकिन इसी को लेकर नकारात्मक सोच वाला दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि गिलास तो आधा खाली है। यही सोच का अंतर आपको स्वस्थ या बीमार बना सकता है। दोस्तों 2004 से 2012 के बीच लगभग 70,000 महिलाओं के सैंपल को लेकर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से यह पाया गया कि सकारात्मक सोच वाली महिलाओं में हृदय रोग, मानसिक
अर्थात कैंसर, श्वास या फिर संक्रमण वाली बीमारियां लगभग नहीं मिली। इस अध्ययन से एक बात और भी निकल के आई, सकारात्मक सोच वाले बेहतर क्वालिटी का जीवन जीते हैं, उनका ऊर्जा स्तर भी कहीं बेहतर होता है। अध्ययन से सकारात्मक सोच के कुछ और फायदे भी पता लगे, मसलन बीमारी या चोट फेंट से जल्दी रिकवरी हो जाती है, खांसी जुकाम अपेक्षाकृत कम होता है, डिप्रेशन का चांस कम होता है, स्ट्रेस से निपटने की क्षमता बेहतर होती है और ऐसे व्यक्ति दीर्घायु भी होते हुए देखे गए हैं। तो मैं यहाँ एक बात को स्पष्ट आपको कर दूंगा कि सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही कोरोना जैसा संक्रमण वैश्विक महामारी छूमंतर हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी चुनौती या समस्या को सामना करने में यह सोच आपकी मदद करेगा। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपके सोच को सकारात्मक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जीवन के उज्जवल पक्षों पर फोकस कीजिए। काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है। समस्याएं, बाधाएं और चुनौतियां आपके जीवन का हिस्सा हैं। जीवन के उज्जवल पक्षों पर फोकस करेंगे आपको अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव दिखेगा। मैं आपको संक्रमण काल के ही दो उदाहरण देना चाहूंगा। कोरोना संक्रमण की शुरुआती दौर में सिएटल शहर अमेरिका में है, तो वहां पर अस्पतालों में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी बेचारे बिना किसी आराम किए काम कर रहे थे। वहां की एक बुजुर्ग महिला ने सोचा, क्यों ना हम कम्युनिटी की ओर से इन लोगों का आभार व्यक्त करें। अब उन्होंने सोचा कि इसका क्या तरीका हो सकता है। तो उन्हें लग रहा था कि ये लॉकडाउन के दौरान ताजा खाना मिलना बहुत बड़ी चुनौती है, तो उन्होंने वहां पर एक ऐप है गिफ्ट फंड मी, इसके जरिए $5,000 जुटाने का लक्ष्य रखा। लेकिन लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि आनंद पानन में $60,000 इकट्ठे हो गए। महिला ने स्थानीय रेस्टोरेंट्स को संपर्क किया और उनसे कहा कि भाई 3 वक्त का खाना तैयार करके अस्पतालों में पहुंचा दो। रेस्टोरेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर था क्योंकि उनका धंधा लगभग बंद था। तो कम्युनिटी के इस इनिशिएटिव के कारण फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों में एक नया उत्साह जग गया। उन्हें लगा कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके मन में हमारे प्रति करुणा है और हमारे प्रति एक सम्मान का भाव है। तो इस तरह से 2 फायदे हुए। एक तो डॉक्टरों की जो क्षमता थी कार्य की वो बढ़ गई, और यही नहीं, स्थानीय जो रेस्टोरेंट थे उनको भी एक नया जीवनदान मिल गया। दूसरा उदाहरण भी मैं अमेरिका के सिएटल शहर से ही देना चाहूंगा। मैं बार बार इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस नगर में दुनिया के 5 बिलियनर लोग रहते हैं। तो वहां पर जो शुरुआती दौर था जब कोरोना संक्रमण का, तो ये देखा गया कि जो फ्रंट लाइन सेवा कर्मी हैं उनके लिए मास्क की बहुत जबरदस्त कमी है। तो सिएटल में अमेज़न कंपनी का हेडक्वार्टर है और वहाँ के ज़्यादातर कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे थे, तो कुछ कर्मचारियों के गैराज में 3D प्रिंटर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना हम अपने 3D प्रिंटर से मास्क बनाएं। कोशिश की, कुछ गड़बड़ भी हुआ लेकिन बाद में देखा कि अच्छे मास्क बन गए। तो इन कर्मचारियों ने मिलकर ये मास्क इकट्ठे किए और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में बांट दिए। जब उनकी कंपनी को पता लगा कि हमारे कर्मचारियों ने इतना अच्छा कार्य किया है, तो उन्होंने पूरा का पूरा रॉ मटेरियल उनको प्रदान करना शुरू किया। और अब ये स्थिति है कि न केवल फ्रंट लाइन वर्कर्स बल्कि पूरे शहर को ये बहुत ही असाधारण किस्म के मास्क जो मुफ्त में उपलब्ध हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग अपने आसपास ये कुछ उज्जवल चीजों को देखें, तो यह न सिर्फ हम अपने देह को बेहतर बना सकेंगे बल्कि आसपास का जो माहौल है उसको भी खुशनुमा बना सकते हैं।
एक और टिप मैं दे रहा हूँ आपको कि अपने आप को किसी भी संक्रमण या किसी भी तकलीफ के दौरान रचनात्मक रूप से व्यस्त रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। इन दिनों कोरोना आपदा के कारण काफी समय मिला है, तो उस खाली समय को खाली ना जाने दें। आप जरा सोचिए उन हॉबीज के बारे में जिनको आप अपने समय न मिल पाने के कारण परस्यू नहीं कर पाए थे, लगभग भुला दिया था, वापस पूरा कीजिए। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं फ्रेंच सीखूं, मैंने कोशिश भी की थी लेकिन समय नहीं मिलता था, इसलिए गाड़ी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। लॉकडाउन के दौरान मुझे पता लगा एक ड्यूलिंगो करके ऐप है, उसके जरिए मैंने फ्रेंच सीखने का सिलसिला शुरू किया। आप हैरान रह जाएंगे कि पिछले 1.5 महीने में मैं उसका जो बेसिक लेवल है उसको जो है पार कर चुका हूँ। इस ऐप के माध्यम से खाली फ्रेंच नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। अगर आपको गाने का शौक है तो इस समय कई ऐप हैं, बहुत अच्छे ऐप हैं, एसम्यूल या स्टार मेकर, उनके जरिए आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। एक चीज और, आज हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनमें अधिकांश शिक्षण संस्थाओं से और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं शेयर करना चाहूँगा हार्वर्ड जैसी कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों ने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं जो डर्ट चीप हैं, बहुत सस्ते हैं। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जो पहले अपने अपनी व्यस्तताओं के कारण दोस्तों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, अब इस समय मौका है तो अपने पुराने पुराने दोस्तों को ढूंढिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे जब पुरानी चीजों को आप बात करेंगे तो यह बहुत सारे आपके दिमाग में खुशनुमा विचार आएंगे, क्योंकि वो सारी यादें ताजा हो जाएंगी जो हम लोग लगभग भुला बैठे थे। मित्रों, कुछ लोग यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही कवि सम्मेलनों का, संगीत सम्मेलनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं, मौका छोड़िए नहीं, जब तक ये समय मिल रहा है इस्तेमाल कीजिए। एक और खास बात यह है कि अपने मूड को हर समय लाइट रखिए, ये जो गंभीरता का लबादा है उसको मत ओढ़िए, चीजों को हल्के अंदाज में लेना भी सीखिए। घर का माहौल कुछ इस किस्म का रखिए कि परिवार के सदस्य अपने विचारों को बेखौफ साझा कर सकें। ये तो सही है कि कोरोना संकट के कारण तरह तरह के तनाव और नई नई चुनौतियां आ रही हैं, हम सभी इससे जूझ रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर मूड हल्का रखेंगे तो आपके साथ आपके परिवारजन भी बेहतर महसूस करेंगे। एक और टिप, अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताइए जिनका सोच पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम कीजिए जो किसी एक खास किस्म की राजनीतिक सोच या विचारधारा को लेकर एक पक्षीय बहस मुआवजे में लगे रहते हैं। सामने वाले की कोई बात या तर्क सुनने को तैयार ही नहीं होते, इसके कारण उनके आसपास का पूरा माहौल नकारात्मक रहता है। आप किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर समाचार पत्रों, टीवी, पत्र पत्रिकाओं की चर्चा के आधार पर अगर अपनी राय बनाते हैं जरूर बनाइए, लेकिन उसको लेकर अपने दोस्तों और निकट के लोगों से अकारण बहस मत कीजिए। अपनी मित्र सूची से उन लोगों को हटाने में कोई गुरेज मत कीजिए जो अकारण बहस करके माहौल को नकारात्मकता के कारण खराब कर रहे हैं। दरअसल इस सब का न केवल उनकी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही इस किस्म के बहस मुआवजों से दूसरों का भी सोच खराब होता है। एक और बात, बदलाव और नया करने की जिद नई ऊर्जा देती है, तो कोशिश कीजिए कि इस बारे में भी आप प्रयास करें। तो देखिए, जहां एक और कोरोना संक्रमण के दौरान काफी सारे लोग किम कर्तव्य विमूढ देखे गए, यानी उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें,
वही कुछ लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा जो टेस्ला कार बनाते हैं। उनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स को साकार बनाना। तो दोस्तों इसी लॉकडाउन इसी संक्रमण के दौरान उनका क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अभी छोड़ा गया और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर पहुंचा के वापस भी आ गया। तो देखा आपने, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है एलन मस्क जिसने इस संक्रमण की परवाह नहीं की और यह अपने काम में लगा रहा। भारत में भी धीरे धीरे करके बहुत सारी अभी कहानियां आ रही हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, IIT गुवाहाटी से मुझे पता लगा। आपने देखा होगा कि ये संक्रमण के चलते हुए सबसे बड़ी दिक्कत एयरपोर्ट के ऊपर आ रही है। वहां पर हर जगह कुछ ना कुछ चीजों को छूना पड़ता है या आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपना सामान वो जो है लोग को जो है देना पड़ता है, तो उससे लोग संक्रमित होने का भय रहता है। तो एक IIT गुवाहाटी के छात्र हैं दीपक मीणा, उन्होंने फ्लाईजी करके ऐप बनाया है जिसके अंदर जब आप हवाई यात्रा करेंगे तो चाहे वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अथॉरिटी हो या फिर खुद हवाई यात्री हो, कम से कम एक दूसरे से संपर्क करना पड़ेगा। और आपने अभी, मैं चूंकि मुंबई से हूँ थोड़ी बात मुंबई की भी कर दूंगा, आपने सोनू सूद की फिल्में देखी होंगी, उसको आप एक्टर के रूप में जानते होंगे, लेकिन उसने एक बात ये भी दिखाई कि अगर आप चाहें तो अपने सीमित साधनों से बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। बम्बई में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों को उसने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने का कार्य कर दिखाया और सिंगल हैंडेड भी करके दिखाया। तो दोस्तों देखा आपने, लीक से हटकर कुछ अलग या नया करने से भी नई ऊर्जा मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा काम ही किया जाए, कोशिश करें, छोटे छोटे प्रयास करें, उसमें भी आपको बहुत आनंद मिलेगा। दोस्तों एक और बहुत खास बात है जो हम लोग बहुत कम करते हैं और उसका कारण ये होता है कि हम लोग और बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं। अपने आप से संवाद करना सीखिए। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, अपने आप से संवाद करना शुरू करें। तो मैंने देखा है कि चूंकि लोग अकेले अकेले रह रहे हैं इस दौरान, तो मैंने देखा कि लोग अपने आप से भी सही तरीके से पेश नहीं आ पा रहे हैं, अपने ही काम में मील मेक निकाल रहे हैं। यही कारण है कि हम सब लोगों में अपने बारे में भी एक निगेटिविटी की फीलिंग आ गई है और इससे हमारी मानसिक क्षमता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। दोस्तों इसे तत्काल रोकने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, हमें अपने आप से बात करनी पड़ेगी और जो हमारा दिल कहता है उसे भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, बस उसी के हिसाब से काम करना है। तो अभी आपको प्रिंसिपल मैडम जो बात कर रही थी, मैं इतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ इस चीज को तकनीकी भाषा में सेल्फ टॉक कहते हैं। तो ये सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। जब भी कभी आप तनाव की स्थिति में हो तो आप अपने आप से बात करिए। अगर हमसे कोई काम बिगड़ जाता है तो दिल पर ना लें, सोचिए कि हम इसको अगली बार कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक और खास बात, जो आपका सोच है कई बार वो भी निष्पक्ष नहीं होता, जो है उस सोच के अंदर भी कुछ कुछ निगेटिविटी होती है। तो अपने सोच का एक वैलिडेशन करें। अब वैलिडेशन कौन करेगा, वैलिडेशन आपकी पत्नी, अगर आप खुद महिला हैं तो आपके पति, आपके बच्चे या आपके सहकर्मी आपको इस वैलिडेशन के लिए मदद कर सकते हैं। तो संकोच मत कीजिए, अपने सोच के बारे में अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से या अपने सहकर्मी से थोड़ा फीडबैक लीजिए। अगर आपके सहकर्मी सच में आपके अच्छे दोस्त हैं, वो आपको जरूर बताएंगे कि आपके सोच में कहाँ निगेटिविटी है। तो आप
एकदम से सारी निगेटिविटी को नहीं निकाल सकते, हर किस्म की निगेटिविटी को नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हम लोग एक एक करके इस बारे में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। कुछ और टिप मेरी तरफ से आपको पेश है। जब आप सुबह उठते हैं तो दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से कीजिए कि आपके आसपास का माहौल सकारात्मक बने। इसके लिए बहुत सिंपल है, सेल्फ अफर्मेशन कीजिए, अपने आप से कहिए आज का दिन बेहतरीन बीतेगा, आज मैं जो कई दिनों से रुका हुआ ये काम है इसको पूरा कर लूंगा। फिर उसके बाद में जो भी लोग आपके आसपास में रहते हैं दोस्तों, उनकी सराहना करना सीखिए। इस चीज में बहुत शक्ति है। अगर अगर आप लोगों के द्वारा किए गए काम की सराहना करेंगे तो उनको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी और इससे पूरा का पूरा माहौल सकारात्मक बन जाएगा। और एक बहुत सिंपल टिप है, आप रोज कुछ गीत संगीत सुनिए, ऐसा गीत संगीत जिससे आपको उत्साह और नई ऊर्जा आए। नहीं समझ में आ रहा है ना कौन से ऐसे गीत हो सकते हैं, चलिए गूगल कीजिए, आपको गूगल सर्च में ही इस किस्म के सैकड़ों गीत मिल जाएंगे। एक बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए जब सब कुछ आपके विपरीत हो रहा हो। दोस्तों जिस समय आप तकलीफ से घिरे होते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि तनाव ही तनाव हो, ऐसे समय में सचमुच सकारात्मक सोच बहुत मुश्किल काम है। इतनी गंभीर परिस्थिति में अगर आप सिल्वर लाइन तलाश करने की कोशिश करेंगे दिमाग पर बोझा और पड़ेगा। ऐसे में आप अपने चंद अच्छे दोस्तों को याद कीजिए, उन लोगों की भावनात्मक सपोर्ट बहुत मदद कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिए कि सकारात्मक सोच का यह अर्थ नहीं है कि आपके जहन में आने वाला हर नकारात्मक विचार जो है उसको आप दफन कर दें। कई बार प्रतिकूल परिस्थिति में जो नेगेटिव थॉट हैं उनके बीच में भी ऐसा कुछ रास्ता मिल जाता है जिससे हम एक सकारात्मक बदलाव के लिए मोटिवेट हो सकते। तो मेरा एक और सुझाव भी है कि जब आपके प्रतिकूल परिस्थिति हो और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप अपने आप से एक सवाल करें कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी मित्र ऐसी परिस्थिति में होता तो आप उसे क्या सलाह देंगे। बस इसी में आपकी समस्या का हल छुपा हुआ है। आप अगर ये सवाल अपने आप से करेंगे कि भाई मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार इस परिस्थिति में होता तो वो क्या करता, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और आखिरी बात जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है ये किस तरह से आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शिकार बनाता है। दोस्तों जानते हैं नकारात्मक सोच के साथ साथ उसके कुछ खास दोस्त भी आपके साथ आके जुड़ जाते हैं। इसके दोस्त हैं निराशावादिता, तनाव और क्रोध, पक्के दोस्त हैं। ये मिलकर तरह तरह की बीमारियों को एक एक करके आमंत्रित करते हैं जिससे आपका जीवन स्पैन भी घट सकता है। तनाव और नकारात्मक इमोशन शरीर की कामकाज की प्रणाली को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। आपको पता है इससे हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है। अगर आपको सर दर्द, शरीर में दर्द, थकान रहती है और नींद भी बराबर नहीं आती है, समझ लीजिए कि आपके सोच से नकारात्मकता को दूर करने का समय आ गया है और आपको तत्काल कदम उठाने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने स्थिति में बदलाव नहीं शुरू किया तो दिल की बीमारी, याददाश्त कम हो जाना, ये स्ट्रोक, ऐसे खतरों को भी आमंत्रण पहुंचने लगेगा। दोस्तों ये भी सच है, बरसों से व्यक्तित्व में जमी हुई नकारात्मकता रातों रात नहीं जाएगी, ये तो पक्का है। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण के कारण हमारी जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है, एक अच्छी शुरुआत तो की जा सकती है। बस
मुझे आज आपसे यही कहना था। हाँ, आपको अगर कोई भी इस संबंध में शंका हो या इसके इतर भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे मॉडरेटर जी आपके प्रश्न मेरे सम्मुख रखेंगे और मैं उनका समाधान देने की चेष्टा करूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एक बड़े कॉम्प्लेक्स सेशन के लिए सर आपका विशेष रूप से आभार है। कुछ सवाल हमारे पास पहले से सर हैं जो हमारे क्वेश्चन आंसर कॉलम में हैं, जिसमें से एक सवाल सर हम पढ़ते हैं अगर आपकी अनुमति हो सर। ये सवाल बेसिकली एक पार्टिसिपेंट्स के द्वारा पूछा गया है कि पूरा संसार आज इस महामारी से गुजर रहा है और प्रश्न यह है कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से किताबों से बिना मार्गदर्शन के किस प्रकार छात्र सही और अनुपयुक्त का उपयुक्त ज्ञान का अर्जन कर सकता है। दोस्तों, इसका आसान सा जवाब अगर आप चाहते तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप अपने जो वरिष्ठ छात्र हैं उनके संपर्क में रहते हैं, सबसे पहला ज्ञान आपको वहीं से मिलना है। और अगर वहां से भी आपको शंका, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वहां से आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपके पास अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में पीयर लेवल के लोग भी हैं, आप संकोच मत कीजिए, उनसे भी बात कीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी कभी हमें कोई संदेह होता है तो उसका रास्ता बातचीत से और दूसरों के निर्देश से भी मिलता है। दूसरा सवाल। थैंक यू सर। दूसरा सवाल बेसिकली प्रशांत कुमार दीक्षित जी की तरफ से है कि सकारात्मक सोच जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाल सकता है, पर संक्रामक काल मतलब संक्रामक बीमारी में सकारात्मक सोच से कैसे बच सकते हैं, इस पे सर आपके विचार। इसका एक हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी से ही हूँ मैं भी, तो वेस्टर्न यूपी में एक कहावत है कि अगर आपका सोच अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छा है। तो अगर अगर आपका सोच जो है सच में सकारात्मक है तो वो धीरे धीरे करके, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं आप दोबारा से कहना चाहूँगा कि अगर आपका सोच सकारात्मक है तो धीरे धीरे करके आपका जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, आप जो है पहले से अधिक अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। और देखिए, अभी जैसे हमने चर्चा की कि फिलहाल हमारे पास इस कोरोना संक्रमण का कोई पुख्ता इलाज नहीं है मित्र, तो क्या है कि अगर हम अपना इम्यूनिटी लेवल को जो है अच्छा रखेंगे तो जो है उससे रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है सर एक कि यदि परिवार में नकारात्मक सोच का संचार हो तो उस समय हम किस तरीके से सकारात्मक विचारों का संचार करें अपने परिवार के साथ। बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और एक व्यक्ति के पास में भी दिया है और उसके हाथ में माचिस या लाइटर है तो समझ लीजिए पूरे कमरे के अंदर उजाला कर सकता है। तो मान लीजिए कि अगर पूरे परिवार में भी नकारात्मकता आ गई है किसी वजह से, तो परिवार का एक सदस्य भी अगर ये फैसला कर ले कि मुझे इस पूरे सोच को पॉजिटिव बनाना है, तो भाई ज्ञान का जो आपके हाथ में दिया है उसको लीजिए और विचारों का जो माचिस या लाइटर है उसको आप जलाइए, देखिए आपके घर का माहौल बदल जाएगा। अगला प्रश्न। हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है सरोज कुमार की तरफ से सर कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस में बैलेंस करने के लिए सकारात्मक सोच किस तरीके से भूमिका समझे। इसके लिए आपको सर्कस में जाना पड़ेगा। आप कभी सर्कस में अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं वो किस तरह से जो है रस्सी के ऊपर जब चलते हैं तो संतुलन बनाते हैं। आप जानते हैं उनके हाथ में एक बहुत बड़ी रॉड होती है, तो वो रॉड के जरिए से दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। तो बॉस, ये जो स्किल है ये किसी जो है मतलब सेल्फ हेल्प की किताब में नहीं मिलेगी, ये तो आपको रियल लाइफ के दौरान ही
ये संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जैसे ही ये संतुलन बिगड़ेगा वैसे ही आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो इसलिए यह है, आपका जो वर्क है वो कितना है, आपका जो पर्सनल काम है वो कितना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो है निजी क्षेत्र के जॉब बढ़ रहे हैं और जो निजी क्षेत्र में जो एम्प्लॉयर हैं उनकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी का जो पारिवारिक जो है मतलब कामकाज है वो उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। मैं काफी घूमता रहता हूँ तो मैंने देखा कि जैसे अपने आप भारत में क्या होता है कि आदमी जब काम के ऊपर होता है तो वो घर के बारे में सोचता है, जब घर में होता है तो काम के बारे में सोचता है। बॉस, आपको एक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे बिजली का बटन होता है ना, उसको जो है दबाते हैं तो बिजली जल जाती है, उसको ऑफ करते हैं ऑफ हो जाती है। ऐसे ही जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलें तो आप जो है वहाँ का बटन ऑफ कर दीजिए। अब जैसे घर में है, घर की समस्याओं का बटन जो है वो उसको ऑन कर दीजिए। और जब तक आप जो है घर की समस्याएं ऑफिस ले जाएंगे, जब तक आप ऑफिस की समस्याएं घर तक लेके जाएंगे, तब तक आपकी का ये जीवन है वो तो अपने आप में हेल हो गई, साथ में आप अपने सहकर्मियों का और अपने परिवार वालों का जीवन भी हेल बना दिए। थैंक यू सर। एक सवाल पहले से ही कुछ मिला जुला है, मैं पढ़ देता हूँ, अगर कुछ आप ऐड करना चाहें। डॉक्टर स्नेहा सहाय की तरफ से है, हाउ कैन आई बैलेंस माय थिंकिंग ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक डेज। परफेक्ट, मैंने बताया ना आपको ये नट बनना है, नट आप जानते ना, मतलब आपको खुद संतुलन ये सीखना है, यू हैव टू लर्न दिस स्किल ऑफ योर ओन। अच्छा, एक मैं आपको और बताता हूँ, सर्कस में ही जाके मैंने देखा था, एक आर्टिस्ट होता है जिसके हाथ में करीब 20 बॉल होती है और वो क्या करता है, पहले एक बॉल लॉब करता है, फिर दूसरी लॉब करता है, फिर तीसरी लॉब करता है, ऐसे हवा के अंदर 20 बॉल छोड़ देता है। अब वो जो है उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ द बॉल विल फॉल, तो वो उसी के हिसाब से अपने आप को पूरी जो है मतलब तैयार रखता है। तो ये जीवन का क्षेत्र जो है वो ये भी सर्कस ही समझ लीजिए दोस्त, और इसके अंदर ये समस्याएं जो हैं ये बॉल की तरह हैं। तो हमको ये स्किल जो है अपने अंदर पैदा करनी है कि हाउ वी हैव टू कैच दिस बॉल, हाउ वी हैव टू हैंडल आवर प्रॉब्लम। आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। एक सवाल और लेने से पहले कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना रेज अपना हैंड रेज करेंगे सो हम आपकी ऑडियो कनेक्ट कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स अगर कोई डायरेक्टली सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना रेज हैंड करेंगे। सुष्मिता तिवारी जी पूछना चाह रही हैं, प्लीज ऑडियो कनेक्ट कर दें सुष्मिता जी का। सुष्मिता जी सवाल पूछें आप अपना। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, इस समय जैसे बड़े जो हैं अडल्ट हैं या ओल्ड एज हैं वो तो अपनी पॉजिटिविटी फिर भी मेंटेन कर ले रहे हैं, पर बच्चों में कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन कराई जाए, बिकॉज उनको पॉजिटिव रखना और घर पे रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, इट्स सो डिफिकल्ट। वो सबसे आसान काम वही है मेरे हिसाब से। देखिए ऐसा है, बच्चे को एंगेज करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये आपके सामने इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि बच्चों को आप जो है घर में रहकर जो जो हॉबीज परस्यू करा सकते हैं वो कराइए। आपके पास अगर कोई माउथ आर्गन पड़ा हुआ है तो माउथ आर्गन झाड़ पहुँच के निकाल दीजिए, उसको साफ कीजिए, बच्चे के हाथ में माउथ आर्गन पकड़ा दीजिए। अगर आपके घर में पियानो है बच्चों को पियानो के ऊपर बिठाइए। मतलब देखिए बाहर तो हम उन्हें खेलने के लिए भेज नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी जब मैं बातचीत कर रहा था आपसे मैंने एक जिक्र किया था डियोलिंगो करके एक ऐप है उसके बारे में, वो दुनिया की 146 भाषाओं में से कोई भी भाषा आपको सिखा सकता है। वो इतना आसान उसका इंटरफेस है कि एक 4-5 साल का बच्चा भी
आप उसको पकड़ा दीजिए, वो अपने आप हैंडल कर लेगा। एक मैडम एक चीज और है, मैं और मेरी एक छोटी सी संस्था है, हम भी छोटे बच्चों को एंगेज करने के लिए एक ऐप इस समय बना रहे हैं। अभी उसका बीटा वर्जन 15 दिन के बाद में लॉन्च होगा। आप सर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको भी उस ऐप का लिंक भेजूंगा। आप देखेंगे कि बच्चे जो है उसके अंदर जो है एंगेज भी रहेंगे और कुछ सीखेंगे। तो बच्चों को जो है टास्क दीजिए, बच्चे जो है वो थकते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का जो ऊर्जा स्तर है वो हम जैसे बुजुर्ग आदमियों का या आप जैसे नौजवान आदमियों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उनको एंगेज रखना है, उनको इतना थकाना है पूरे दिन कि वो रात को आराम से सो जाए। एक और सवाल सर हम लाइव लेना चाह रहे हैं, डॉक्टर पृथ्वीराज जी का ऑडियो कनेक्ट कर दें। पृथ्वीराज जी अपना माइक अनम्यूट कर लें, सवाल पूछिए। कैन यू हियर मी? या श्योर। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज फ्रॉम अहमदाबाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपने कोई भी आदमी न्यूज में हम सुन रहे हैं तो इम्यूनिटी इंक्रीज करो, और सभी अपना हल्दी है दूध है जो अपना पुराने हिस्ट्री से जो सारे मेडिकेशन है वो हमको सजेस्ट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि हमको प्राइमरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डॉक्टर? डॉक्टर पृथ्वी, मैं और मेरे जैसे लगभग 1.25 करोड़ लोग बंबई में इसी सवाल से जूझ रहे हैं जो सवाल आपने उठाया है। दरअसल में क्या है कि जिस हिसाब से ये महामारी फैल रही है तो जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है मेडिकल का वो गड़बड़ा गया है। आप ये देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो तक यह डर रहे हैं कि पेशेंट उनके पास में आए, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कहीं वो जो है खुद अफेक्ट ना हो जाए। तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास एक एज ओल्ड विजडम है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास अपनी दादी माँ के नुस्खे हैं। देखिए मेरी पत्नी यही पास में बैठी हुई है, वो सुबह क्या करती हैं कि जब पानी उबालती हैं तो पानी के अंदर लौंग, लाल इलायची, सफ़ेद इलायची, दालचीनी ये सब डाल देती हैं, तुलसी के पत्ते डाल देती हैं। तो ये जो काढ़ा बनता है इसको पूरे दिन पीते रहते हैं, आई एम श्योर इससे जो आपकी इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी नहीं तो कम से कम घटेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर से संपर्क करने का भी थोड़ा स्मार्ट तरीका हो गया है। आप जो है डिजिटली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बॉम्बे में तो बहुत सारे डॉक्टर्स के हेल्पलाइन नंबर हैं और कहा गया है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। और आजकल तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर पृथ्वी जब आपके पास आदमी जाता है तो क्या आप क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर अपने थर्मामीटर से लेते हैं। अगर आप टैली उसको जो है मेडिसिन कर रहे हैं तो आप उससे कह सकते हैं भैया अपने घर का थर्मामीटर निकालो, अपने मुंह में लगा के मेरे को टेम्परेचर बता दो, आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी नाप के बता दो। तो ऐसा नहीं है सर, यह ये जो बीमारी है कोरोना की ये हमें और हमारी पीढ़ी को शायद पहले से ज़्यादा सजग और स्मार्ट बना देगी। हमको जो है नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे सर, और कोई तरीका नहीं है, जो कन्वेंशनल तरीका है उससे हम लोग इस बीमारी को नहीं हरा पाएंगे। थैंक यू सर, अगर अनुमति हो तो मैं एक दो सवाल और ले लूं सर। बिल्कुल लीजिए सर। नीतू अवस्थी जी का ऑडियो कनेक्ट कर दें। नीतू अवस्थी जी, मैडम आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सर। हेलो, बताइए जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। आज के टाइम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है जब हमें पॉजिटिव रहना है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आज के समय में अगर हम भारत में देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, ज्यादातर लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ऐसे में एंजाइटी क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इस स्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें? मैडम देखिए आपका सवाल बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मुश्किल इस सेंस में है
कि इसका जो जवाब है ना तो सरकार दे सकती है ना आपका एम्प्लॉयर दे सकता है। आसान इस सेंस में है कि आपको अपनी समस्या का समाधान खुद ही खोजना है, तो आपको अपने अंदर का एंटरप्रेन्योर जगाना है, आपको कुछ ऐसी कटिंग एज चीज करनी है जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज इस समय चलेगी। मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही के समय में 3-4 महीने में आप जानते हैं सबसे ज्यादा गैजेट कौन सा बिक रहा है? नीतू जी बताइए, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक गैजेट कौन बिक रहा है? हेलो, तो मैं बताता हूँ आपको, इस समय सबसे ज्यादा यह डिश वॉशर बिक रहा है। तो ये जो कोरोना पेंडेमोनिक है, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। इन केस इफ यू कैन थिंक अबाउट ए थिंग विच कैन डू ए बेटर बिजनेस और मे बी ऑफ गुड यूज टू एवरी वन, वो बिकेगी भी और चलेगी भी। लेकिन हाँ, आपको अपनी जो निर्भरता है सरकार और संगठनों के ऊपर थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ और मुद्दों से भी इस समय जूझ रहे हैं। शायद ये नौकरी वाला जो मसला है उसमें आपकी सीधे मदद नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। और सुनिए एक को और सुझाव देना चाहूंगा जी सर, ये जो हमारा जो बच्चों के लिए जो शिक्षा का ऐप है, मुझे अभी कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 हजार लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। तो जो है अगर वो मेरे को अपने बारे में भेजेंगे तो, या कुछ ऐसे लोगों के बारे में भेजेंगे जो इसके साथ जुड़ना चाहें, तो उनका स्वागत है, पैसा भी मिलेगा। जी सर। नेक्स्ट सवाल है सर डॉक्टर पुष्पा मिश्रा मैडम की तरफ से। ऑडियो कनेक्ट कर दें प्लीज। मैम अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। डॉक्टर पुष्पा मिश्रा मैडम, माइक अनम्यूट करें अपना और सवाल पूछें। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। नहीं सर, टाइप करवा लीजिए उनसे, चैट बॉक्स के ऊपर पूछ लीजिए ना सर। मोदी जी अपना माइक अनम्यूट करें, सवाल पूछें। सर मेरा ये सवाल है सर, मोदी प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर बनेगा तो इसके जरिए ये वो कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक कैसे बन सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक हम कैसे बन सकते हैं मतलब प्लेटफॉर्म के जरिए आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक, आजकल जैसे कोरोना वायरस मतलब बढ़ता जा रहा है पूरी इंडिया में, तो ग्लोबल इकोनॉमिक कैसे बन सकता है मेरा ये प्रश्न है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म मतलब मैडम, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक शू मेकिंग कंपनी थी, तो उसने अपने दो मार्केटिंग गाइस को भेजा अफ्रीका के एक छोटे से देश में, और उनको कहा कि भैया ये पॉसिबिलिटी बताइए कि वहाँ पर जूते बिकने की क्या संभावना है। तो दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट पेश की थी। एक ने कहा कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति जूता नहीं पहनता है, इसलिए यहाँ पर हमारी कंपनी का कोई स्कोप नहीं है। दूसरे मार्केटिंग गाय ने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जूता नहीं पहनता है, इसलिए हमारी कंपनी के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप ये देखिए, जिस समय यह दुनिया या देश चुनौती से जूझ रहे हैं, यही वो मौका है जिस समय आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर करेंगे तो आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। उसके लिए किसी सरकार की या किसी यह आपको संगठन के वरद हस्त की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, आप कुछ थोड़ा नया सोचिए, आप देखेंगे आपकी बिक्री भी होगी, आपका प्रोडक्ट भी जाएगा। अभी आप देख लीजिए ना, बॉम्बे के अंदर जो लोग बेचारे छोटे छोटे घरों के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग मास्क बना रहे हैं, ये 20-20 25-25 और 30-30 रुपए का मास्क बेच रहे हैं, उसके अंदर उनको 10 रुपए मिल रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर यह एक व्यक्ति ने
20-25 हजार अगर मास्क बेच दिए तो सीधे सीधे एक महीने के अंदर उसको 2 या 3 लाख रुपए हो गए। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि इस महामारी के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी लोगों को ज्यादा जरूरत है, क्या हम वो चीज बना सकते हैं, क्या वो हम चीज बेच सकते हैं, क्या वो चीज हम और कहीं जाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। आजकल कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं, एक डैश नेस करके एक यह प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप अपना ई मार्केटिंग सेटअप भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप कौन सी ऐसी चीज बना सकते हैं जो हाथों हाथ लोग ले सकें, तो आपको थोड़ा सा ये ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी अच्छे तरीके से सर सभी सवालों का जवाब दिया है सर। मुझे आपसे समय के बंधु आपसे जुड़ के इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये जो लोग सुन रहे हैं वो खाली ये बंदे ट्रैफिक नहीं है, वो खुद भी सोच रहे हैं, तो ये सकारात्मक सोच का पहला स्टेप यही है कि आप दूसरों की सुने नहीं, अपनी भी अपने आप भी उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर क्रिटिकली ये कार्रवाई करें। तो मुझे बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ जुड़कर। थैंक यू सर, आपके अप्रिसिएशन में थैंक यू सर। हमारे पास समय की सर थोड़ा बाध्यता है, लोग सवाल और पूछना चाह रहे हैं लेकिन 1 घंटे का समय हो रहा है तो थोड़ा सा बात। एक बोनस क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। जी सर हाँ, सुनीता भट्ट जी का ऑडियो कनेक्ट कर दें। सुनीता भट्ट ये अच्छा सेशन आपने रखा है सर। सर ने बोला कि हम बच्चों को एंगेज रख सकते हैं, बट एज अ एल्डर वन, एज यू नो कि इतना पेंडेमिक चल रहा है, सारा वर्क आप ऑनलाइन कर रहे हैं सर, आप खुद बीइंग अ मदर एक मदर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, एक मेड का रोल भी प्ले कर रहे हैं, एक कुक का रोल भी प्ले कर रहे हैं, एंड इंटरनेट पे इतना रोज एक नया चीज आ जाता है टू सर्व द स्टूडेंट्स, तो इतने सारे स्ट्रेस के साथ पॉजिटिव रहना सर, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल सर, कि जैसे बच्चा भी ग्रोइंग है कि मम्मा हमें टाइम दो, तो हाउ कैन यू मैनेज दिस सर, इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन फ्रॉम द वुमेन्स जो हु आर वर्किंग एट होम, बिकॉज कभी काम आ जाता है सर, कभी भी कहते हैं ये डाटा दे दीजिए और आप यू आर कुकिंग समथिंग और योर चाइल्ड इज आल्सो इन अ जूम क्लास, मम्मा इसका क्वेश्चन का आंसर करो, तो सर चाहकर भी पॉजिटिव होना सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर, ये जो हम ऑफिस में जाके काम कर रहे थे 8 घंटे का, इट्स इंक्रीज बाय 24 आवर्स सर, कि नेक्स्ट डे ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है, तो वो पॉजिटिविटी सर खुद बीइंग अ वुमन हम नहीं ला पा रहे, जान रहे हैं कि पॉजिटिविटी चाहिए पर इतने लोगों को मैनेज करना एट होम, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर इन दिस सिचुएशन। मैडम मैं आपको इसका जो उत्तर है वो एक उदाहरण के साथ देना चाहूंगा। मेरी बेटी जो है एक काम करती है कंपनी में और काफी वरिष्ठ प्रबंधक है वो, और इस समय घर से ही काम कर रही है और उसको भी वही सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जो आपको झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने पति जो है ना उसकी चाबी घुमानी पड़ेगी, उससे कहिए ना अगर आप खाना बना रही हैं बर्तन वो मांजे, बच्चा आपको सब्जी काट के दे, मतलब ये है कि आपको सबको एंगेज रखना है, ये नहीं कि आप ही सारा काम करेंगे, और अगर आपने सारा काम अपने ऊपर ओढ़ लिया तब तो खैर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, आप सबको जो है इस काम में इन्वॉल्व कीजिए ना। तो मेरी बेटी ने ये किया हुआ है, उसका पति जो है वो ये सारे बर्तन जो डिश वॉशर में साफ सुथ करके रखता है, जब वो घर की साफ सफाई वही कर रहा है, उसकी उसकी बेटी जो है खुद जो है जब वो खाना बनाती है उसके साथ लगी रहती है, रोटी मेकर के अंदर रोटी वही बनाती है। तो देखिए ये जो है चुनौती भरा समय है, और अगर पूरा परिवार एकजुट होकर काम नहीं करेगा तब तो वो तनाव आएगा ही जो आप झेल रहे हैं, आप अपना फीडबैक भरें, फीडबैक भरना अनिवार्य है, चैट सेक्शन में फीडबैक लिंक आ रहा है, आप फीडबैक भरें। हमारे साथ कॉलेज की प्राचार्य मैडम जुड़ी हुई हैं, मैम से निवेदन है कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैम, वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच जितेंद्र जी फॉर गिविंग मी चांस वंस अगेन. और सर आपका बहुत बहुत आज का ये पॉजिटिव सेशन रहा. और सबसे इसमें जो खास बात रही कि आपके जेस्चर्स बहुत ही पॉजिटिव थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, तो ये पूरा सेशन बहुत पॉजिटिव हो गया. जैसे आपने कहा कि थोड़ा लाइटर रहना सीखिए, डोंट ट्राई टू बी सीरियस ऑल टाइम, बने रहना ये जरूरी नहीं है. तो ये छोटी छोटी जो आपने बातें बताई हैं टेक्निकलिटीज में ना डाल के, क्योंकि अगर आप टेक्निकल तरफ ले जाते शायद आम आदमी को पेंडेमिक के समय एक और स्ट्रेस हो गया. एज वी ऑल नो, जैसे एक क्वेश्चन आया कि मुझे सब काम करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम इन स्ट्रेस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग नेगेटिविटी. तो प्रॉब्लम आपने बताई है भाई, श्रम का विभाजन कुछ सही तरीके से नहीं हुआ है, तो यू शुड टेक हेल्प, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. और ये 3 महीने में आप तक तो सेटअप हो जाना चाहिए था, श्रम का विभाजन तो होना था. सर ने बहुत अच्छे से बताया है और हर घर में शायद हो रहा है, और लगता है कि मैडम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उनके घर वालों ने. तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आपने हमें बताई, हमें उदाहरण दिए जो आपने हमारे सामने रखे, जैसे आपने सीएचएल का दिया कि किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुद जरूरतें देख रहे हैं. वो सिर्फ यही नहीं कहना है कि हमें क्या मिले, आपने हमें बताया कि हम क्या दे सकते हैं इस डिफिकल्ट टाइम में. व्हाई एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर कि हमें क्या हेल्प मिल सकती है, हम क्या हेल्प दे सकते हैं. आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से अमेजोन सीएचएल में किया, एंड आई एम सो फीलिंग प्राउड एज मेरा भाई भी सीएचएल में प्रोजेक्ट मैनेजर इन अमेजोन में है. तो मैं इस आपकी इस बात को पूरी तरीके से समझ सकती थी, क्योंकि ये बातें मुझे बताई गई थी कि हम किस तरह से चल रहे हैं. ये बहुत सारी जो आपने हमें सुबह उठते ही पॉजिटिविटी की बताई है कि हमें सेल्फ अफर्मेशन चाहिए, हम अपने आप को ही कम है. जब आप उठ के अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे तो आप वाइब्स भी पॉजिटिव देंगे, और अगर हम पॉजिटिव नहीं होते हैं आपने बताया तो क्या होगा, हमारे अंदर एंगर आएगा और हम पेसिमिस्ट बनेंगे. तो ये सारी छोटी छोटी जो आपने बातें बताई कि एक ग्लास में पानी आधा देखना कि खाली है या आधा भरा है, द वे यू परसीव द लाइफ, आप लाइफ को कैसे परसीव करते हो ये आपके अपने ऊपर है. बिकॉज ये जो आपका सेशन ने हमें सिर्फ एक अच्छी बात ये बताई है कि पॉजिटिविटी कभी एक्सटर्नल हो ही नहीं सकती है, पॉजिटिविटी इंटरनल है, वो हमें खुद ही ढूंढनी है, खुद से संवाद करने हैं. नो दाय सेल्फ, खुद को समय दीजिए, जानिए आप चाहते क्या हैं. अभी हमें ही नहीं मालूम, सर ने बोला खुद को टाइम दीजिए, सुबह उठिए और समय दीजिए उसको, अपने फ्री कीजिए. नो आप हो क्या, आप क्या चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, आप क्यों नहीं सेटिस्फाई होते हो, वो कौन से बैरियर्स हैं. ये सारी चीजें कुछ कही आपकी अनकही बातों में, और सर का अनुभव जैसे शुरू में जितेंद्र जी ने बताया, राहुल सांस्कृत्यान का बताया अथाहो घुमक्कड़ जिज्ञासा, तो वो जो एक है, एक जो टूरिज्म ने सर को जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं और जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, ये ऑसम बहुत ही हम सब के लिए पर्सनली मेरी अपनी लाइफ के भी बहुत जरूरी होती है. मैं हमेशा कहती हूँ हर व्यक्ति को एक मेंटोर की जरूरत होती ही है, और आई एम थैंकफुल कि आज आप हमारे साथ थे. सर ने बताया, मैं एक बात थोड़ा सा सर शेयर करना चाहूंगी, सर आपने सोनू सूद का नाम अपने मुंबई से लिया, तो मैं भी अपने यहाँ के एक सेलिब्रिटी हमारे चेयरमैन श्री अमित गोयल सर का जरूर नाम लेना चाहूंगी. कुछ लोगों के नाम ऊपर ग्लोबली जाते हैं और कुछ के लोकल लेवल पे रहते हैं, तो हमारे यहाँ के चेयरमैन श्री अमित गोयल सर भी जिस दिन से ये महामारी फैली हुई है, चाहे अस्पताल को देना, चाहे लगातार ऑनलाइन डॉक्टर्स को उपलब्ध कराना, और अभी कल से ही क्वाथ जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो पुलिस लाइन में हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट सर ने करवाने का एक बीड़ा उठाया है, और बहुत सारी कैश मनी, और आगे भी कहा है जितने भी गरीब होंगे, बहुत सारी बातें हैं. लेकिन मैं सिर्फ आपको ही नहीं सर बताना चाहती हूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बातें हम इसलिए नहीं बताते हैं, देखिए दो पहलू होते हैं हर चीज के. लोग कहते हैं कोई अगर दान देता है, सोनू सूद ने भी कहा, हमने तो ये सुना है कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे. लेकिन मेरा कहना है कि आज का कलयुग है, आज पता लगना दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हाँ जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, उस अनुसार हम अपने देश का, अपने समाज का किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पॉजिटिव. एक बहुत अच्छी बात है कि किसी ने कहा बच्चों को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, तो सबसे आसान तरीका, और इस बात मैं भी बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करती हूँ.
बच्चे तो पॉजिटिविटी का पुंज हैं, दे आर द बंडल ऑफ पॉजिटिविटी. अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों के साथ समय गुजारिए, क्योंकि वही तो एक बच्चे हैं जिनकी लाइफ में बचपन ही तो एक ऐसी चीज है जहां कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, उनके लिए बस आज का पल ही सब कुछ होता है. तो सर इतनी अच्छी बातें, ये बहुत छोटा सेशन पड़ गया सर, हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से ये पेंडेमिक जल्दी जाए, लेकिन आपके इसी तरीके के ऊर्जावान जो हम सबके अंदर एक पॉजिटिविटी वाइब्स ला रहे हैं वो हमारे बीच आती रहेगी. और मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ आपके साथ साथ जो आपको यहाँ लेके आए हैं, जिन्होंने हमें आपसे मिलवाया है उनका भी बहुत धन्यवाद. हमारे मैनेजमेंट का तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि जो हमें इतने दूर दूर से लोगों से बैठ के, मैं हर दिन कहती हूँ और कुछ बातें होती है क्यों नहीं, क्यों हम क्यों थैंक यू ना दे रोज, जैसे हम ईश्वर का रोज धन्यवाद देते हैं तो अच्छे कार्यों की भी सराहना और धन्यवाद हर दिन प्रतिदिन होगी. तो ये बहुत अच्छी बात है, सने आहार विहार विचार सब और आपने हमारा ध्यान दिलवाया. और फिर एक आखिर बात मैं यही कहना चाहूंगी जो मैंने शुरू में भी कही थी कि जो आप चॉइसेस लेते हैं, वट एवर चॉइस यू मेक्स यू, सो प्लीज चूज वाइजली. सर आपने भी यही बातें बताई है कि जैसा आप सोचोगे वैसे बनोगे. आपने कहा हमारा हॉर्मोनल भी है, तो मतलब कितना आपने कितनी छोटी सी बातों में, बात यहाँ सिर्फ ये नहीं है आपने क्या कही वो तो हमने हम समझ ही गए, लेकिन जो बातों के पीछे जो आप कहना चाहते थे और समय में नहीं, हमने वो बातें भी सब समझी हैं और जानी हैं. और मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद इस पूरे विवेक परिवार की ओर से देना चाहूंगी, डॉक्टर हितेश जी का भी, डॉक्टर जितेंद्र जी का भी, और हमेशा की तरह हमारा मैनेजमेंट जो हर पल और एक हमारे लिए मोटिवेशन और पॉजिटिव का, मैं कहती हूँ अगर पॉजिटिविटी लेनी है इस समय में, क्या इतने बड़े ग्रुप में क्या कुछ समस्याएं नहीं आ रही होंगी, इतने बड़े जो हमारी संस्था चल रही है, तो यहाँ के चेयरमैन पूरे मैनेजमेंट हमारा, तो लेकिन वो फिर भी आज भी कितने पॉजिटिव हैं. आज भी हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं. तो ऐसे ही हम लोकल लोगों को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं. सिर्फ किताबों में ही हमें खंगालने की जरूरत नहीं है, हम किसे बनाएं, तो हम अपना रोल मॉडल अपने ही आसपास तलाशते हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम हमारे चेयरमैन सर का भी है. उनका बहुत बहुत धन्यवाद. सर आपका बहुत धन्यवाद. भगवान करे आपका मुंबई बहुत जल्दी इस कोरोना से मुक्त हो जाए, ये विश्व मुक्त हो जाए और हम सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे. और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक पॉजिटिव थिंकिंग से. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच सर. आपका विशेष रूप से आभार. आपने बड़ी अच्छी तरीके से बड़ा अच्छा सेशन सर. सर थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट कमेटी का, विशेष रूप से हमारे चेयरमैन साहब का जो आपसे हमें मिलवाए और ऐसा इंफॉर्मेटिव सेशन ऑर्गेनाइज किया. सर का विशेष रूप से आभार. सर हमारे लिए माइट्रोकांड्रिया है बायोलॉजी की भाषा में, वो पॉजिटिव एनर्जी के इस कॉलेज के पावर हाउस है. तो सर का विशेष रूप से आभार. सर आपका भी, हमारी तकनीकी सदस्य इंजीनियर अनुज शर्मा का, डॉक्टर हितेश शर्मा जी का भी विशेष रूप से आभार. सभी 500 पार्टिसिपेंट्स का आभार. सभी पार्टिसिपेंट्स का विशेष रूप से आभार. पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट जल्दी ही आपके ईमेल पे आ जाएंगे और फिर अगले से वेबिनार में हम जल्दी ही मिलेंगे. सभी का विशेष रूप से आभार. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. थैंक यू.